यार हम इस तरह से यमी सा पिज्जा बनाते हैं जो खाने में बहुत ही यमी और टेस्टी लगता है। चलिए फिर हम रेस्टोरेंट वाला पिज्जा घर पे ही बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद होगी आप सब ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका मैं चैनल पर स्वागत है साधिका नूरैन किचन में। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेज पिज्जा बनाना। यहाँ पे मैंने 2 पीस ब्रेड ली हुई है, पिज्जा ब्रेड। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। और मैंने यहाँ पे पास्ता पिज्जा सॉस लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मायोनीस सॉस लिया हुआ है, वेज मायोनीस सॉस लिया हुआ है, बिना विदाउट एग्स का है ये। और मैंने यहाँ पे 2 पीस स्लाइसेस वाली चीज ली हुई है, और मैंने यहाँ पे 2 पीस अमूल वाली ली हुई है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे चिल्ली फ्लेक्स लिया है। मैंने यहाँ पे कुछ पनीर लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने इसको अच्छी तरह से कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक टोमेटो लिया है, मैंने इसको भी अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है। 3 पीस मैंने ग्रीन चिली लिया हुआ है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है बारीक। और मैंने 1 पीस कैप्सिकम लिया हुआ है, शिमला मिर्च, आप देख सकते हैं। मैंने इसे भी बारीक कट कर दिया है। 1 पीस मैंने यहाँ पे ऑनियन ली हुई है, ऑनियन को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से चॉप कर दिया है बारीक। चलिए तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल। अगर आपको सब्जियों को तल के डालना है तो आप फ्राई करके डालें, नहीं तो फिर आप ऐसे कच्ची भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। हम इसे फ्राई करके ही डालेंगे, इससे थोड़ा कच्चापन वेजिटेबल्स का निकल जाएगा, और थोड़ा फ्राई रहेगा ना तो खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ी देर के लिए, इसको मैंने ढक्कन से कवर कर दिया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वेजिटेबल थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पिज्जा ब्रेड ले लिया है। अब हम इसमें इस तरह से सैंडविच सॉस लगा देंगे, इस तरह से लगाकर हम एक अच्छा सा बेस तैयार कर लेंगे। हमें इसे पूरे में फैला देना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसमें टोमेटो केचप लगा दिया है। अब हम इसमें मायोनीस मिक्स करेंगे। हम इसको इसी तरह से पूरे में फैला देंगे। ये देखिए ये एक अच्छा सा बेस तैयार हो गया है। अब हम इसमें चिल्ली फ्लेक्स लगाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मैंने चिल्ली फ्लेक्स ले लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से चिल्ली फ्लेक्स को डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं, आपको जितना तीखा चाहिए। फ्रेंड्स अब हम इसमें वेजिटेबल को ऐड कर देंगे इस तरह से। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने वेजिटेबल अच्छी तरह से डाल दिया इस पे। अब हम यहाँ पे कुछ पनीर ऐड कर देंगे। ये जो मैंने अमूल की चीज ली थी ना, मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। इस तरह का आप चॉपर ले लीजिएगा, उसमें कद्दूकस हो जाएगा। चलिए तो फिर हम यहाँ पे चीज डाल देते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स अब देख सकते हैं मैंने इसका पैकेट खोल लिया है। अब मैं ये वाली चीज भी इस तरह से हम लगा देंगे इस पे। लगाने के बाद ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे बटर डाला था, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पिज्जा ब्रेड रख देंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब हम यहाँ पे इस तरह से पिज्जा ब्रेड रख देंगे। पिज्जा ब्रेड रखकर हम इसे ढक देंगे अच्छी तरह से।
कितना यम्मी लग रहा है देखने में ही। चलिए फिर हम इसे पिज्जा कटर से कट कर देते हैं। फ्रेंड्स अब देख सकते हैं मैंने इसे 400 में डिवाइड कर दिया है। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना यमी लग रहा है। फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना यमी और डिलीशियस बना हुआ है। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज।